स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 5. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stones, other of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी things पास्ट में बनी और यूज में लाई जाती थी. तो ऐसी थिंग्स का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है. आर्कियोलॉजिस्ट को हम हिंदी में पुरातत्वविद भी कहते हैं. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन और ब्रिक्स से बनी बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स मीन्स जो अवशेष बसते हैं ना, पिक्चर्स और स्कल्पचर, स्कल्पचर मीन्स मूर्तियों, उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. वे वेपन्स है ना, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, पेंस मीन्स पॉट्स, पेंस जो बर्तन होते हैं है ना, और कॉइन्स की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं. ठीक है, एक्सकेवेट मीन्स होता है खुदाई करना, एक्सप्लोर मीन्स होता है छानबीन करना. ठीक है, तो वो भी करते हैं. तो इनमें से कुछ थिंग्स जो थी वो स्टोन, कुछ थिंग्स स्टोन, बैग्ड क्ले मीन्स पकी हुई मिट्टी, और कुछ मेटल्स की बनी हो सकती हैं. तो ऐसे मटेरियल्स हार्ड और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं. ठीक है, ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. इम्पेरिसेबल मीन्स स्थाई है ना, सब्सटेंसेस. ओके, यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहां देखें आप, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, ये क्या है, यहां पर देखें एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिखाया गया है आपको. ये लगभग 2250 इयर्स ओल्ड है. ठीक है, 2250 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है, और जो कि अभी अफगानिस्तान के कंधार से मिला है. ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन अशोक नामक जो किंग थे है ना, रूलर, उनके आदेश पर बनवाया गया था. तो इस रूलर के सब्जेक्ट में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का यूज करते हैं, मींस स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं. तो स्क्रिप्ट जो है वर्ड्स या साइंस लेटर्स है ना, उनसे बना होता है. जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तब हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं. तो ये इंस्क्रिप्शन इस एरिया में यूज होने वाली यूनानी और अरेमिक नामक दो डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस में है. ठीक है, नाउ हियर यू सी टू मोर पिक्स. तो यहां जो लेफ्ट साइड में एक पिक दी हुई है, तो ये एक ओल्ड सिटी का एक पॉट है. ठीक है, देख सकते हैं आप है ना. तो इस तरह के पॉट्स का यूज 4700 इयर्स एगो होता था. और यहां राइट साइड में आप देखें तो एक ओल्ड सिल्वर कॉइन आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, सिल्वर कॉइन. तो इस तरह के जो कॉइन्स है उनका यूज लगभग 2500 इयर्स एगो होता था. और हमारे द्वारा आज यूज में आने वाले कॉइन्स में, कॉइन्स से ये जो कॉइन है वो डिफरेंट है. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट. प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर फार मोर रेयरली. इट सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड. दे सर्वाइव इन अ चियर्ड फॉर्म. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस की बोन्स भी ढूंढते हैं. इससे उन्हें ये जानने में भी हेल्प मिलती है कि पास्ट में लोग क्या खाते थे.
प्लांट्स रिमेन्स मीन्स वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, ठीक है। और यदि ग्रेन्स के जो सीड्स होते हैं, है ना, ग्रेन्स ही कहा जाए, पीसेस कहा जाए, ठीक है, सीड्स ऑफ ग्रेन मतलब अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े, ओके, पीसेस ऑफ वुड, है ना, ये जल जाते हैं और वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो क्या आर्कियोलॉजिस्ट को क्लॉथ्स के रिमेन्स मिलते होंगे? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से प्राप्त, है ना, मिली हुई इंफॉर्मेशन के लिए हिस्टोरियंस सोर्स वर्ड का यूज करते हैं। सोर्स मीन्स स्रोत, ठीक है, उस वर्ड का यूज करते हैं। हिस्टोरियंस उन्हें कहते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। वो स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मीन्स होता है विद्वान, जो पास्ट की स्टडी करते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। तो सोर्स के प्राप्त होते ही पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है, ठीक है, एडवेंचर हो जाता है वो, है ना, क्योंकि इन सोर्सेस की हेल्प से हम धीरे धीरे पास्ट को रीजनरेट करते हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और अब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट उन डिटेक्टिव्स मीन्स जासूसों की तरह हैं जो इन सभी सोर्सेस का यूज सुराग के रूप में करके पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ वन पास्ट और मैनी, अतीत जो है, पास्ट जो है, वो एक है या अनेक है, ठीक है। सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट? आपने नोटिस किया कि इस बुक का टाइटल अवर पास्ट, हमारे अतीत। तो यहां पास्ट वर्ड्स का यूज प्लूरल के रूप में किया गया है और एक ऐसा ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए इस पास्ट के अलग अलग मायने थे। फॉर एग्जाम्पल, हर्डर्स, फार्मर्स की लाइफ, है ना, हर्डर और फार्मर्स की लाइफ, किंग्स और क्वींस की लाइफ से, व्यापारियों का जीवन, मतलब जो क्या कहा जाए, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स, है ना, मर्चेंट्स की लाइफ, क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से बहुत डिफरेंट थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पीपल्स डिफरेंट डिफरेंट नेचर और प्रैक्टिसेस, कस्टम्स का यूज करते थे, ठीक है, उसका पालन करते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज अंडमान आइलैंड के ज्यादातर लोग अपना फूड फिशेस कैच कर मींस मछलियां पकड़ के या हंट करके और फ्रूट्स के संग्रह द्वारा, है ना, फल फूल को इकट्ठा करके वैसा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट सिटीज में रहने वाले लोग अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए, है ना, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंसेस पास्ट में भी थे, ठीक है। तो इसके अलावा एक अन्य तरह का डिफरेंस भी था। उस समय किंग्स जो होते थे, है ना, अपनी विजयों का, अपनी विक्टरीज, है ना, विक्टरीज का लेखा जोखा रखते थे। और यही कारण है कि हम उन किंग्स और उनके द्वारा लड़े जाने वाले बैटल्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि हंटर्स, फिशरमैन, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स जैसे आम आदमी अपने वर्क्स का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो आर्कियोलॉजी की हेल्प से हम उनके लाइफ को जानने में, उनकी लाइफ को जानने में हमको आर्कियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। और अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ओके। नाउ व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है? अगर कोई आपसे डेट के सब्जेक्ट में पूछे तो
तो आप उस दिन की डेट, मंथ, ईयर, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और ईयर बताएंगे। तो ईयर की ये कैलकुलेशन क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जीसस क्रिस्ट के बर्थ की डेट से की जाती है। ठीक है, तो 2000 ईयर कहने का मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 ईयर्स लेटर से है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर, है ना, बिफोर बर्थ सारी डेट्स बीसी के रूप में जानी जाती हैं, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो इस बुक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए प्रेजेंट से पास्ट की डेट्स का यहां पर उल्लेख करेंगे। ठीक है, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।